Welcome back, my dear kids, with another chapter of our science book by Brain Root series. The name of our book is Science Spark Class 2. आज हम अपना chapter number 3 start करेंगे. Chapter का नाम है Useful Animal. तो चलिए chapter start करते हैं. In this chapter, you will learn about domestic animals, how animals are useful to us, other uses of animal and caring of animals. इन सब के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. बिफोर वी स्टार्ट द चैप्टर वी विल डू वार्म अप. हम एक वार्म अप एक्सरसाइज करेंगे. सर्कल द एनिमल्स विच कैन बी फाउंड ऑन अ फार्म. यहाँ पे कुछ एनिमल्स की पिक्चर दी हुई हैं. आपको उन एनिमल्स को सर्कल करना है जो कहाँ मिलते हैं, फार्म पर मिलते हैं. तो ये एक्टिविटी आप खुद करेंगे. एनिमल्स आर यूजफुल टू अस इन मैनी डिफरेंट वेज. एनिमल्स मतलब जानवर हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं अलग अलग तरीके से. आपको पता है कि हमें एनिमल्स से भी बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं. हमें अपना फूड भी एनिमल से मिलता है. सम ऑफ देम गिव अस थिंग्स विच कैन बी ईटन while other give us things which can be worn. Many of them make our work easy. कुछ जानवरों से हमें खाने की चीज़ें मिलती हैं, कुछ जानवरों से हमें पहनने की, और कुछ जानवर क्या करते हैं, हमारे काम को ईजी बनाते हैं. आप सब दूध पीते हैं. दूध हमें किससे मिलता है, एनिमल से, काओ और बफेलो से. एग हमें हैन से मिलता है, और बहुत सारी चीज़ें हमें एनिमल से मिलती हैं. फर्स्ट वी विल लर्न अबाउट डोमेस्टिक एनिमल. एनिमल्स डेट कैन बी कैप्ट एट फार्म और होम आर कॉल्ड डोमेस्टिक एनिमल. जिन जानवरों को हम घर में पालते हैं या अपने फार्म पर मैदान या खेतों में पालते हैं, उन्हें हम डोमेस्टिक एनिमल्स कहते हैं. एनिमल्स लाइक काओ, हॉर्सेस, गोट, शिप, डक and hence can be tamed and kept at farms or homes. कौन कौन से जानवर, गाय, कुत्ता, घोड़ा, मुर्गी, बत्तख, इन सब को हम क्या करते हैं, पालते हैं. कहाँ पर, अपने घरों में या फिर फार्म पर. We should take care of our pets and farm animals. हमें अपने pets और farm animals की क्या करनी चाहिए, care करनी चाहिए, उनका ध्यान रखना चाहिए. वी मेक होम फॉर डोमेस्टिक एनिमल. हम डोमेस्टिक एनिमल्स के लिए क्या बनाते हैं, घर बनाते हैं जिसमें जानवर रहते हैं. हाउ एनिमल्स आर यूजफुल टू अस. जानवर हमारे लिए कैसे उपयोगी है, चलिए पढ़ते हैं. एनिमल्स हैव अ वेराइटी ऑफ यूजेस फॉर अस. दे गिव अस फूड, लेदर एसेट्रा. जानवर हमें बहुत सी चीज़ें देते हैं, जैसे कि भोजन और लेदर, चमड़ा. चमड़ा हमें किससे मिलता है, जानवरों से मिलता है. बफेलो, काओ, गोट एंड कैमल्स गिव अस मिल्क. गाय, भैंस, बकरी और ऊंट हमें क्या देते हैं, मिल्क, दूध देते हैं. वी यूज मिल्क टू मेक आइसक्रीम, बटर, चीज एंड कर्ड. और दूध से हम क्या बनाते हैं, दही, मक्खन, पनीर और आइसक्रीम. हेन एंड डक गिव अस एग. मुर्गी और बत्तख क्या देती है, हमें अंडे देती है. हिस्टोरिकल फैक्ट. अब मैं आपको एक हिस्टोरिकल फैक्ट बताऊंगी. इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क इन द वर्ल्ड. वी गेट हनी फ्रॉम हनी बीज. हनी इज यूज एज फूड एज अ मेडिसिन. हमें मधुमक्खियों से क्या मिलता है, शहद. और शहद से क्या बनती हैं, दवाइयाँ. और शहद खाने में भी इस्तेमाल होता है. वी गेट सिल्क थ्रेड फ्रॉम सिल्क वॉर्म. सिल्क हमें किससे मिलता है, सिल्क के कीड़े से, उससे हमें थ्रेड मिलता है. सिल्क थ्रेड आर यूज टू मेक क्लॉथ सच एज साड़ीज एंड स्कार्फ. और सिल्क के धागे से क्या बनता है, कपड़ा. कौन सा कपड़ा, साड़ी और स्कार्फ बनते हैं. Do you know? क्या आप जानते हैं, bees are very hard working. Worker bee go from one flower to another collecting nectar.
अ सिंगल बी विजिट्स 50 to 100 फ्लावर्स। आपको पता है मधुमक्खियां क्या है, बहुत ज़्यादा मेहनती होती हैं। जो वर्कर बी होती है उसका क्या काम है, एक फूल से दूसरे फूल पर जाना और क्या लाना, फूलों का रस। एक सिंगल मक्खी 50 to 100 टाइम्स जाती है एक एक फ्लावर्स पे। वी गेट वूल फ्रॉम शीप। वूल इज यूज टू मेक स्वेटर, मफलर्स एक्सेट्रा। हमें ऊन किससे मिलती है, हमें ऊन मिलती है भेड़ से, और ऊन से क्या बनता है, वूलन आइटम जैसे स्वेटर, स्कार्फ और जैकेट। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, रैबिट ऑल्सो हैव फर डेट इज यूज एज वूल। रैबिट के भी क्या होते हैं, फर, बाल होते हैं, और उनसे क्या बनता है, वूल, ऊन बनती है। द स्किन ऑफ सम डेड एनिमल्स लाइक क्रोकोडाइल, बफेलो, स्नेक इज यूज एज लेदर। कुछ मरे हुए जानवर कौन कौन से, मगरमच्छ, भैंस और सांप, इनकी स्किन से क्या बनता है, लेदर। वी यूज लेदर टू मेक जैकेट्स, बैग, शूज, बेल्ट, पर्स। और चमड़े से क्या बनता है, जैकेट, पर्स, शूज और बेल्ट बनती है, जिनसे हम लेदर आइटम्स कहते हैं। सम एनिमल्स सच एज ऑक्सन, हॉर्सेस, डोंकी, एलिफेंट एंड कैमल हेल्प अस टू कैरी हैवी लोड्स। कुछ जानवर जैसे कि बैल, घोड़ा, गधा और ऊंट क्या उठाते हैं, भार, हैवी लोड, बहुत ज़्यादा भारी सामान उठाते हैं। दे ऑल्सो हेल्प अस टू ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। दीज एनिमल्स आर कॉल्ड बीस्ट ऑफ बर्डन। और ये जानवर एक जगह से दूसरी जगह जाने में भी हमारी मदद करते हैं, एज अ ट्रेवल भी उनको यूज किया जाता है। तो इन जानवरों को हम क्या कहते हैं, बीस्ट ऑफ बर्डन। नाउ टाइम टू टेस्ट योर स्किल, टिक राइट द डोमेस्टिक एनिमल्स। यहाँ पे कुछ एनिमल्स की फोटो बनी हुई है, आपको उनमें से डोमेस्टिक एनिमल्स को सर्कल करना है। नाउ आई विल टेल यू अदर यूजेज ऑफ एनिमल्स। वी टेम एनिमल्स लाइक कैट एंड डॉग्स एंड कीप देम इन आर हाउसेस। हम अपने घरों में कुत्ता और बिल्ली पालते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, पेट एनिमल्स। डॉग क्या करते हैं, कुत्ते हमारे घर की रखवाली करती हैं, और बिल्ली से कौन डरता है, चूहे डरते हैं, तो डर के मारे सारे चूहे घर से चले जाते हैं। पेट एनिमल्स आर केप्ट फॉर फन, हाउएवर वी शुड टेक केयर ऑफ देम। हमें अपने पेट एनिमल्स की क्या करनी चाहिए, केयर करनी चाहिए। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, अ डॉक्टर हु ट्रीट सिक एनिमल इज कॉल्ड अ वेट। वो डॉक्टर जो बीमार जानवरों का ध्यान रखता है उन्हें हम कहते हैं वेट। नाउ वी विल लर्न केयरिंग ऑफ एनिमल्स। वी मस्ट टेक केयर ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स, वी मस्ट बी जेंटल टू देम। हमें अपने डोमेस्टिक एनिमल्स की देखभाल करनी चाहिए, उनके प्रति हम दयालु हों। वी शुड गिव देम इनफ फूड टू ईट एंड क्लीन वाटर टू ड्रिंक। उन्हें जितना भोजन चाहिए खाने के लिए हमें उतना उन्हें देना चाहिए, और क्या देना चाहिए, साफ पानी पीने के लिए। वी शुड बाथ आवर पेट रेगुलरली। हमें अपने जानवरों को रोज नहलाना चाहिए। व्हेन दे फॉल सिक वी शुड टेक देम टू एन एनिमल डॉक्टर। और जब हमारे जानवर बीमार हों तो हमें उन्हें डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। Now time to test your skill. Change the underlined words to correct these statement. यहाँ पे कुछ statements दी हुई हैं, लेकिन कुछ word के नीचे क्या है, underline है, तो हमें इस statement को सही बनाने के लिए underlined words को change करना होगा। Number one, rabbit guards our home. तो rabbit के नीचे क्या है, underline। इसका मतलब क्या है, rabbit की जगह क्या word आएगा, कौन हमारे घर की रखवाली करता है, तो रैबिट की जगह आएगा डॉग। नंबर टू, काउ एंड बफेलोज गिव अस एग। गाय और भैंस हमें अंडे देती हैं,
तो एग के नीचे अंडरलाइन है, तो एग की जगह क्या आएगा, मिल्क, वो हमें क्या देती हैं, मिल्क। नंबर 3 and 4 यू विल डू बाय योरसेल्फ। नाउ टाइम टू गो इन फ्लैशबैक। डोमेस्टिक एनिमल्स आर टेम्ड एंड कैप्ट एट होम एंड फार्म्स। वी गेट मिल्क, हनी एंड वैक्स फ्रॉम एनिमल। हमें जानवरों से वैक्स मिलता है, हनी मिलता है और एग। वैक्स किससे मिलता है, मधुमक्खी का जो छत्ता होता है उससे हमें वैक्स मिलता है। लेदर इज मेड फ्रॉम द स्किन ऑफ डेड एनिमल। कुछ मरे हुए जानवरों की स्किन, त्वचा से क्या बनता है, लेदर। वी शुड गिव एनिमल्स गुड फूड, क्लीन वाटर एंड अ सेफ एंड क्लीन शेल्टर। नाउ टाइम टू डू एक्सरसाइज। टेक द करेक्ट ऑप्शन, सही ऑप्शन को टिक करिए। I am not a farm animal. मैं farm animal नहीं हूँ। Goat, duck, silkworm and tiger. इनमें से farm animal कौन नहीं है? Tiger. Tiger क्या है? Wild animal. Number 2. You get mutton from me. मुझसे आपको meat मिलता है। Hen, duck, goat and geese. हमें meat मिलता है goat से। वैसे बच्चों हमें meat hen से भी मिलता है। नंबर 3 and 4 यू विल डू बाय योरसेल्फ। नाउ एक्सरसाइज बी, फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट। आपको ब्लैंक्स को फिल करना है विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स, वो वर्ड्स जो ब्रैकेट में दिए हुए हैं। अ काउ इज कैप्ट इन अ, काउ को कहाँ रखा जाता है, शेड में या कूप में। तो सही वर्ड है शेड, SHED, शेड। नंबर 3, मिल्क इज यूज टू मेक, दूध से क्या बनता है, हनी या कर्ड। दूध से बनता है कर्ड, जिसे हम दही कहते हैं। नंबर 3 and 4 यू विल डू बाय योरसेल्फ। नाउ एक्सरसाइज सी, मैच द फॉलोइंग। यहाँ पे दो कॉलम्स हैं, उनमें कुछ नाम दिए हुए हैं, हमें क्या करना है, उसको मैच करना है। सिल्क, सिल्क हमें किससे मिलता है, ट्रांसपोर्ट, चिकन, बी वैक्स, सिल्क वॉर्म या पेट। तो हम सिल्क को मैच करेंगे सिल्क वॉर्म से। हनी बी, हनी बी से क्या मिलता है, हनी बी से हमें बी वैक्स मिलती है। डॉग, डॉग क्या है, डॉग है पेट एनिमल, तो डॉग को हम मैच करेंगे पेट से। हैन, हैन से हमें क्या मिलता है, हैन से हमें मिलता है चिकन। एंड डोंकी, डोंकी है ट्रांसपोर्ट से, क्योंकि डोंकी ट्रांसपोर्ट के लिए हमारी हेल्प करता है। नाउ एक्सरसाइज डी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। दिस एक्सरसाइज यू हैव टू डू बाय योरसेल्फ। सो माय डियर किड्स, इन दिस चैप्टर वी हैव लर्न्ड अबाउट द थिंग्स विच वी गेट फ्रॉम एनिमल्स। हमने उन चीज़ों के बारे में पढ़ा जो हमें जानवरों से मिलती है। हमने ये भी पढ़ा कि हमें जानवरों की क्या करनी चाहिए, केयर करनी चाहिए। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।